नमस्कार। वृषभ राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि भगवान कृष्ण की यही राशि थी। और जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र तीन चरणों में और रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र के शुरू के दो चरणों में हुआ, उनकी वृष राशि है, और उन्हीं के लिए ये फलादेश बताया जा रहा है। 2023 तक आपके लिए खास तौर से अप्रैल तक कष्टकारक रहेगा। गुस्सा आएगा, चोट लग सकती है, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन खुशी की बात यह हो रही है कि अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा है, मंगल की महादशा चल रही है, तो विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। एक बहुत विशेष बात मैं बता रहा हूं, सन 1990 में मंगल वक्री हुआ था 8 महीने के लिए। अब की बार जो वक्री हुआ है या हो रहा है, 13 नवंबर से, नोट कर लीजिए, 13 नवंबर से 12 मार्च तक मंगल वृष राशि में रहेगा। आपका मन अशांत, गुस्सा, झगड़ा, परेशानी, तनाव रहेगा, इसलिए क्रोध से बचें। मंगल वक्री जब होता है, रेट्रोग्रेड मोशन में होता है, तो चोट का भय, अशांति, चेहरे में क्रोध और चेहरे को बिगाड़ देता है, चाहे पिंपल्स हों या चोट लगना, परेशानी, दांतों के रोग। ईएनटी बॉडी खास तौर से इफेक्टेड होती है, ईयर, नोज एंड थ्रॉट, गला। और दाम्पत्य जीवन आपका थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है, और खर्चा करते समय सावधान रखें। आपके घर में कोई व्यक्ति, कोई भी हो, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का पर्टिकुलर, चाहे कोई काम करता हो, चाहे कोई आने जाने वाला हो, वो आपके घर में से कोई आइटम चोरी करके ले जा सकता है, मोबाइल हो, पैसे हो, गहने हो। ये चोरी का जो समय है अक्टूबर नवंबर तक बनता रहेगा आपके यहाँ 2023 में, लिख लो, सावधानी रखें। और शनि जो है आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, 17 जनवरी तक आपका भाग्य सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, धन रत्न, स्वर्ण आभूषण सब कुछ प्राप्त होगा। और 17 जनवरी 2023 के बाद आपका जो शनि है वो आपके कर्म स्थान, पिता स्थान में आएगा, तो आपको राजयोग का फल प्राप्त कराएगा, और आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट परेशानी अगले 2.5 वर्ष के लिए आएंगी जनवरी में। उसकी सावधानी कैसे रखनी है, यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, ये कष्टकारक रहेगा। दाम्पत्य जीवन संभाल के रखें, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। इसके अलावा आपके मामा पक्ष, मामाओं के लिए कष्टकारक रहेगा। जब तक केतु है 2023 सितंबर तक, मामा पक्ष के लिए, माता का जो परिवार है उसको कष्ट देता है। अगर दूसरी बात, आपके जो विदेश यात्रा की संभावनाएं मैंने बताई हैं, और साथ ही आपके विवाह संबंधी जो बाधाएं हैं अगले 2 वर्ष तक रहेंगी, ऐसा समय चल रहा है विवाह में बाधा को टालने के लिए। आपको दुर्गा सप्तशती में कुछ मंत्र सुझाए गए हैं, उनका पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और बृहस्पतिवार को व्रत रखने से आपकी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं और मनोरथ पूर्ण होंगे, शास्त्र यही कहता है। और इसके अलावा आपकी कुंडली में राजयोग का फल है, इसीलिए बताया, दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर नौकरी, व्यापार और व्यवसाय में कुछ बाधा आ रही थी वो अब दूर होगी, लेकिन किसी के झांसे में आकर के आप पैसा दे देते हैं तो वो वापस रिटर्न नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति आपके साथ ठगी कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू विल इन्वेस्ट योर मनी, बी केयरफुल, आपका पैसा गड्ढे में जा सकता है। तो
अगला समय सितंबर 2023 तक खास तौर से पैसे को लेकर के सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।